हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JD टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आप रेडमी नोट 9 प्रो के लेने की इच्छा रखते हैं या फिर रेडमी नोट 9 प्रो के सेल का इंतज़ार कर रहे हैं, दोस्तों ये वीडियो वाकई आपके लिए है और आप सही जगह पे आए हुए हैं। दोस्तों, आज हम यही इसी रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है कि रेडमी नोट 9 प्रो में 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो है बहुत ही इसके फ़ोन को अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। और साथ में इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो प्रोसेसर दोस्तों इस स्मार्टफोन को और भी बेहतर बनाता है। जो कि यहाँ दोस्तों बैटरी की बात कर ले तो यहाँ बैटरी दोस्तों अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आप अपने स्मार्टफोन को अच्छे से परफॉर्म करने को देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डेट में पबजी एक हाईवी लेवल गेम है, जिसके लिए बैटरी और प्रोसेसर दोनों की बहुत अच्छी आवश्यकता होती है और साथ में रैम की भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सभी का मिक्सचर करके रेडमी नोट 9 प्रो लेकर के आता है। और जिसकी सेल की बात करें तो लॉन्चिंग दोस्तों काफ़ी दिन पहले ही हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी सेल नहीं लग पाई थी। इससे दो पहले सेल लगी हुई थी, एक 4 मई को लगी हुई थी और एक 12 मई को लगी हुई थी, लेकिन दोनों सेलों में इतना स्मार्टफोन नहीं आ पाया था, ताकि ऑन द स्टॉक हो चुका था। काफ़ी लोगों ने इस स्मार्टफोन को नहीं परचेज कर पाया था। लेकिन तो इसी को ध्यान रखते हुए रेडमी ने अपने स्मार्टफोनों को फिर से नेक्स्ट सेल के लिए आगे बढ़ाया है। दोस्तों, इसकी जो नेक्स्ट सेल है उसमें काफ़ी किफ़ायती दाम मिलेंगे और अच्छे स्मार्टफोन के साथ साथ आपको अच्छी कीमत प्राइस भी देखने को मिल सकती है। रेडमी नोट 9 प्रो में दोस्तों आपको देखने को मिलता है अच्छे फीचर के साथ अच्छी कीमत की बात करें तो यहाँ पे आपको 13,999 रुपये में मिलता है, जो कि एक अच्छी प्राइस है लो लेवल से अगर हाई लेवल की, यानी कि आप मिड रेंज में अगर लेना चाहते हैं 10 से 20 हज़ार के फ़ोन को, तो यहाँ पे रेडमी नोट 9 प्रो एक अच्छा फ़ोन निकल के आता है। साथ में यहाँ पे आपको 13,900 रुपये का परचेस करना देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको बात ये आती है कि ये फ़ोन मिलेगा कहाँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये आप दोस्तों ये सेल जो है 19 मई को लगने वाली है। और दोस्तों, इस सेल में आपको अमेजोन से आप परचेस कर पाएंगे और mi.com से परचेस कर पाएंगे। दोस्तों, ये दोनों फ़ोन अच्छे फ्लैक्सी फ़ोन है और इसकी दोस्तों कीमत भी जो है बहुत एक्साइटमेंट कीमत है, बहुत ही अच्छी कीमत है। 13,999 रुपये तो इसकी कीमत रखी गई है, जो कि कर सकते हैं और इस स्मार्टफोन को आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात रह जाती है कि ऑर्डर करने को लेकर के और यहाँ से फ़ोन को परचेज़ करने की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आते हैं लॉकडाउन को लेकर के। दोस्तों, ये फ़ोन उसी एरिया में परचेज़ किए जाएंगे जिस एरिया में ग्रीन जोन है या फिर ऑरेंज जोन है। रेड जोन में दोस्तों ये फ़ोन नहीं पहुँचाया जाएगा, ना ही रेड जोन के लिए ये ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लोगों के लिए ये स्मार्टफोन आप अच्छे से परचेज कर पाएंगे। दोस्तों, ये थी एक रेडमी नोट 9 प्रो की तरफ से आ रही एक अपडेट, जो कि आप सबके लिए बताना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा। चैनल तुम्हारे नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी वीडियो को पहले वॉच कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें जेड टेक्निकल के साथ।